सरदार भी सदा दी। मैं कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। और भूले न मरते मरते आदाबे कुए जाना, भूले न मरते मरते आदाबे कुए जाना, जो सर ने साथ छोड़ा तो सजदे किए नजर ने। हाँ, जिंदगी को गुजारे इसको अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ लगा दे, वरना हमने न्यानी साहब बड़े बड़े लोग कहेंगे नहीं, खुशी के मौके पर भी मरने वाली बातें करते हैं। और याद भर रखना, असल शादी तो है ही उस दिन। लोग कहते ना विसाल हो गया, विसाल का मतलब है रब से मुलाकात। और मुलाकात का खूबसूरत मंजर क्या है, हजरत साद बिन मुआज दुनिया से जा रहे हैं, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उनकी वालदा, इन्होंने हुजूर से बड़ी वफाएं की है, ये फिर कभी से। लेकिन आखिरी बात मिलता है क्या, एक बार मदीने में जाके देख, करते हैं माला माल जरा दामन फैला के देख। हजरत साद बिन मुआज दुनिया से चले गए, आपकी तकदीर हो गई, आपकी वालदा फिर भी रो रही है, 33 साल के नौजवान है, बड़ी आपकी शान है, हुजूर के साथ वफा की है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साथी मां और चुप कर जा। अल्लाह ताला जितने भी आज तक हजरत आदम अलैहि सलाम को लेकर मेरे उम्मती तक जितने भी लोग दुनिया के जाके अल्लाह ताला की बारगाह पेश हुए, रब किसी को हंसया नहीं मिला, तेरे पुत्र को हंसया मिला। इस वास्ते के इन्होंने बदर के मकाम में हुजूर को हंसाया सी, खुश किया सी, इस वास्ते के दुनिया में इस दादा जिंदे की जान अनसार मोया दियो ते ओ जाने जो बर्दा हो। और ये खुशियां जड़ियां ए भी अल्लाह ताला हमेशा दायमी देवे, इन्हां नु अगर दायमी करना ते अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दामन रहमत ना वबस्ता हो जाओ। फिर होएगा कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दश जमाना। और कुरान सिर्फ निकाह वास्ते, फातिहा वास्ते, या जनाब यासीन रू कटन वास्ते, ते रहमान सूरह रहमान सवेरे बरकत वास्ते नहीं, कुरान नु अपने घर घर में पढ़िया करो, कुरान नु अपने घर में पढ़िया करो, कुरान नु अपने घर में पढ़िया करो। अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الذي ليس في جوفه من القران شيء कल बैत खरीबे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता या जड़ा बंदा कुरान नहीं पढ़ता वो इस तरह जिस तरह वीराना खंडर होता उसका दिल इस तरह। कुरान पढ़िया करो। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल भी अतर से नाजिल होने वाली किताब है, इसको सिर्फ निकाह वास्ते किताब वास्ते इतने रखिए, इन जनाब कब्रिस्तान वास्ते नहीं रखिए।